नमस्कार, मैं जसप्रीत कौर, फास्ट न्यूज नॉर्थ बंगाल टू सिक्किम में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में ही इस वेरिएंट के 7 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 2 मरीज की मौत हो चुकी है। डॉक्टरों का कहना है कि जिन मरीज की जान गई है उनको वैक्सीन अभी तक नहीं लगी थी। वहीं जिन 3 मरीजों का वैक्सीनेशन की 1 या डोज लग चुकी थी वह ठीक हो गए हैं या होम आइसोलेशन में हैं। बाकी 2 मरीज को भी वैक्सीनेशन नहीं लगा है, लेकिन उन्होंने डेल्टा वायरस को मात दे दिया है। कर्शियों के 3 धरिया में भारी लैंडस्लाइड, NH-55 का बड़ा हिस्सा ढह गया, राहत कार्यक्रम शुरू। GTA कर्शियों के कार्यकर्ताओं द्वारा दार्जिलिंग जिला के कर्शियों के 3 धरिया में शुक्रवार सुबह व्यापक स्तर पर लैंडस्लाइड के कारण 55 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग का 1 हिस्सा पूरी तरह ढह गया। प्रचंड जीत के साथ पश्चिम बंगाल की सत्ता में लौटी ममता बनर्जी अब गवर्नर जगदीप धनखड़ के खिलाफ मोर्चा खोल सकती हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल विधानसभा का सत्र 2 जुलाई से शुरू होगा। बताया जा रहा है कि राज्यपाल के खिलाफ प्रस्ताव पर TMC सदन के अंदर चर्चा की जा सकती है और केंद्र से उनको हटाने की मांग करी जा सकती है। भाजपा की नहीं जनता की मांग है अलग राज्य। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव रथिन बोस ने गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जनता की मांग है उत्तर बंगाल अलग राज्य बने। जनता की मांग को देखते हुए भाजपा ने जनप्रतिनिधि इसका समर्थन करते हैं। जनता की मांग को उठाने वाले जनप्रतिनिधियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन का सहारा ले रहे हैं। दार्जिलिंग में आज ABGL प्रेसिडेंट प्रताप खाती ने आज गोरखालैंड इशू को लेकर जगदीप धनखड़ से मिले। दार्जिलिंग में CPRM पार्टी के प्रेसिडेंट RB राय के साथ जनरल सेक्रेटरी अरुण घटानी गोरखालैंड की अलग राज्य की मांग को लेकर जगदीप धनखड़ से मिले। कैलिंगपोंग CPRM जोनल कमेटी के सेक्रेटरी भीम गुरुंग ने कहा कि गोरखाओं का एक ही मात्र समाधान गोरखालैंड है। स्टूडेंट सोसाइटी ऑफ सिलीगुड़ी के द्वारा आज सिलीगुड़ी के महात्मा गांधी मोड़ में बंगो भंगो होबे ना होते देवो ना के नारे के साथ जोर शोर से प्रदर्शन किया गया। आज भोवेश मोड़ ठाकुर नगर में टावर लगाने को बात को लेकर हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों का कहना था कि अगर वहां टावर लगा तो उन सभी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन ने मकान मालिक से आकर बात की और स्थानीय लोगों को भी शांत करवाया। COVID-19 के कारण राज्य में लॉकडाउन लगाया गया है, उसमें काफी ढील दे दी गई है, लेकिन अभी भी 30 जून तक राज्य में लॉकडाउन जारी है। इसी बीच देखा जा रहा है कि लोग लॉकडाउन के नियमों के साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल के लिए निर्धारित नियमों का भी उल्लंघन हो रहा है। इसलिए सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन की पुलिस के विभिन्न थानों के द्वारा आज विभिन्न जगहों पर अभियान चलाया गया और लॉकडाउन और कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। रास्तों पर जो लोग बिना मास्क के घूम रहे थे उन सभी को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। विभिन्न बाजारों में भी अभियान चलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की पैनल की रिपोर्ट में किया खुलासा, दिल्ली सरकार ने जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की। BJP बोला, शर्म है तो देश से माफी मांग केजरीवाल। रायगंज मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में चोरी की घटना से मचा हड़कंप। आरोप है कि गुरुवार की रात जब वार्ड खाली था तो किसी ने वार्ड में घुसकर तोड़फोड़ की और लूटपाट भी की। स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि वार्ड के 90 ऑक्सीजन फ्लो मीटर में से कुछ खराब हो गए हैं और कुछ टूट गए हैं। मेडिकल कॉलेज के सूत्रों ने कहा कि पानी के पाइप, बेसिन और अन्य विकसित उपकार भी तोड़ दिए गए हैं और चोरी हो गई। पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। भाजपा पंचायत सदस्य समेत कई लोग तृणमूल में शामिल होने के बाद से अलीपुर द्वार में भाजपा समर्थकों का तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने का सिलसिला जारी है।
गंगा प्रसाद ने बुधवार को जिला तृणमूल कार्यालय में संवाददाताओं से कहा कि भाजपा को पूरे जिले से बाहर कर दिया जाएगा। उनके इस कथन के अनुसार भाजपा समर्थकों का तृणमूल में शामिल होने का सिलसिला जारी हो गया है। सिक्किम के भूतपूर्व सीएम पवन चामलिंग के परिकल्पना के आधार पर शुरू हो गया है 10 मिनट्स टू अर्थ कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का अहम उद्देश्य पौधे लगाना है ताकि पर्यावरण सुरक्षित रह सके। सीएम ममता बनर्जी के प्रयास के वजह से पूरे राज्य में खाद्य साथी योजना शुरू हो चुकी है। आज सुखिया पोखरी में राज्य सरकार के निर्देश द्वारा राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक करवाने का कार्य शुरू हो चुका है। सिलीगुड़ी के मुक्ताधारा फाउंडेशन ने कोरोना काल में लोगों को अलग ही स्तर में सेवाएं दे रही है। इस परिस्थितियों में अगर परिवार में किसी की मौत हो जाती है तो संस्था द्वारा शव को दफनाने एवं अंतिम कार्य किया जा रहा है। संस्था की मदद के लिए प्रसन्नजीत राय ने उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। आज राय ने संस्था के हाथों पीपी किट, मास्क, ग्लव समेत 11,000 रुपए सौंपे। उन्होंने सभी से मदद के लिए अपील की है। फास्ट न्यूज नॉर्थ बंगाल टू सिक्किम में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एसके लाइव। दवाइयों से छुटकारा एल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। एल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1-800-572-9851। 50-70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल सेवक रोड, सिलीगुड़ी। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है, तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें ए से जेड तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें ए से जेड तक।